यह सरकार नमस्कार माहौल सर सीए फाइनल इंडायरेक्ट टैक्स सीए में फाइनल इंडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स शायद आपको समझ में आ गए सर, माहौल बन गया आपके एंड पर। जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, कस्टम के सारे अमेंडमेंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए जो बहुत ज्यादा नहीं थे सर। आ रहे हैं हम कहाँ पर, लास्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ वो भी हम देख लेते हैं सर। अमेंडमेंट तो क्या हुआ सर, सबसे पहली बात जो एफटीपी आपने पढ़ी हुई है, एफटीपी 2015-20 गवर्नमेंट ने बोल दिया साहब वही हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, उसी को एक्सटेंड कर दिया सर। जैसा इन्होंने एक्सटेंड किया है सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 सर, पहले 31 मार्च 2020 तक थी, उसको बढ़ा के 2021 किया था, फिर 30 सितंबर 2021 किया था, और अभी बढ़ा के इन्होंने वापस से बोल दिया दिस हैज बीन एक्सटेंडेड अप टिल 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 तक ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 जो आपने पढ़ी है वही एप्लीकेबल है, वही रहेगी। प्लस गवर्नमेंट ने वेरियस अदर एग्जम्पशंस अदर बेनिफिट्स जो इस स्कीम के थे वो भी एक्सटेंड कर दिए हैं टिल 31 मार्च 2022। क्लियर, आप देखो पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है सर द एग्जिस्टिंग एफटीपी 2015-20 विच वॉज वैलिड अप टू 30 सितंबर 2021 इज फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2022। फर्दर वेरियस अदर चेंजेस आर ऑल्सो मेड एक्सटेंडिंग द डेट ऑफ एग्जिम्पशंस बाय 6 more months 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च 2022 तक, एंड एक्सटेंडिंग वैलिडिटी ऑफ डीएफआईए स्कीम्स या ईपीसी ऑथराइजेशन फॉर इंपोर्ट पर्पज, ये सारे जो वैलिडिटी थी उनको भी एक्सटेंड कर दिया। ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यही कंटिन्यू है, तो ये सब एग्जम्पशन ये सब बेनिफिट भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिए। ओके सरकार, आगे देखते हैं हम और कहाँ अमेंड किया मैंने सब। MEIS पॉलिसी, जैसे आपको पता है सर मर्चेंडाइज स्कीम फ्रॉम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट ये विड्रॉ हो गया था विद इफेक्ट फ्रॉम सर 1 जनवरी 2021 इटसेल्फ। और आपको पता है 1 जनवरी 2021 से एक नई स्कीम आ गई है RoDTEP स्कीम, क्लियर, वो हम पढ़ने वाले सर, आगे आ रहा है। ओके सर, तो सर 1 जनवरी 2022 से सर द बेनिफिट्स अंडर MEIS शेल नॉट बी अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट्स मेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 अंडर द MEIS स्कीम। क्लियर, ये विड्रॉ हुआ, इसकी जगह नया स्कीम कौन सा है वो हम पढ़ने वाले हैं, वही मेजर पॉइंट है। अच्छा, जहाँ पे मैंने बताया था आपको ड्यूटी एग्जिम्पशन और रेमिशन स्कीम्स, जहां हमने पढ़ा था ड्यूटी एग्जिम्पशन के अंदर एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA स्कीम होती है, ड्यूटी रेमिशन के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम होती है, और वहां पे थर्ड पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है, केवल नाम लिखा है यहाँ पे, स्कीम पूरी आगे दे रखी है। स्कीम 4 रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स RoDTEP से इसको बोलते हैं RoDTEP स्कीम। क्लियर, तो सर ये नाम मैंने यहाँ पे ऐड किया, अब आगे ये स्कीम को पूरा एक्सप्लेन किया जहां पे हम चल रहे हैं। सरकार आइए, आ गया वो स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ये पढ़ लिया सर, छोटा सा 2-3 पेज का ये कंटेंट कोई बहुत बड़ा नहीं है सर, ये अगर पढ़ लिया माहौल हो गया सर। सारे अमेंडमेंट्स इंडायरेक्ट टैक्स के मई 2022 के लिए या जून 2022 CS या CMA के लिए भारत माता की जय हो जाएगी सर। स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, सबसे पहली बात सरकार जैसे आपको पता है कि यार MEIS स्कीम विड्रॉ हो गया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम सर इंडिया स्कीम एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट क्या, हाँ सही में एक्सपोर्ट हो गया, मतलब सर ये विड्रॉ हो गया। अब सर जो गुड्स के एक्सपोर्टर है उनको कुछ तो बेनिफिट देना पड़ेगा ना साहब। आप देखो सर, गुड्स जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, जो आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो उसके केवल इनपुट्स पर टैक्स नहीं लगता है, कई सारी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो काम आती है अंडर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जहां भी टैक्सेस लगे वो सब भी तो सर कॉस्ट का पार्ट बनता है एक्सपोर्टर के लिए। अल्टीमेटली टू प्रमोट द एक्सपोर्ट गवर्नमेंट वोंट कि इन एक्सपोर्ट्स पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, और ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई भी टैक्स लगा है तो उसका रिफंड मिलना चाहिए। वो रिफंड देने का मकसद पूरा हो रहा था गवर्नमेंट का थ्रू RoDTEP स्कीम से, और ये सर ये स्कीम इंट्रोड्यूस करने का पर्पज यही है। देखो ऑब्जेक्टिव, द स्कीम्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिफंड करंटली अनरिफंडेड ड्यूटीज टैक्सेज लेवीज एट द सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल बोर्न ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रायर स्टेज क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट टैक्सेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। सर इनका अल्टीमेटली रिफंड देना इज द टारगेट, सो दैट एक्सपोर्ट हो पाए विदाउट एनी हैवी कॉस्ट, एंड सच इनडायरेक्ट ड्यूटीज टैक्सेज एंड लेवीज इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो सर प्रोडक्शन में काम आ रहा हो, देखिए सर प्रोडक्शन में कॉस्ट लगी हो आपकी या डिस्ट्रीब्यूशन लगी हो, इन सारी कॉस्ट में जहां पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं, ड्यूटीज टैक्सेस सेस, इन सब का रिफंड देना इज द टारगेट ऑफ दिस स्कीम. ओके, द रिबेट अंडर द स्कीम शेल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस विच आर ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड और ऑलरेडी रेमिटेड और क्रेडिटेड. साहब जिसका आप रिफंड ले चुके हो या जो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, जिसका आपने टैक्स पे किया ही नहीं है, यार पे किया तो रिफंड मिल गया या कोई और बेनिफिट मिल गया, तो भाई यहाँ पे क्यों आ रहे हो आप? क्लियर सर, यहाँ नहीं मिलेगा. ओके सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें आ रही है वो है कंडीशंस. ये जो 7-8 कंडीशंस है यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही स्कीम है सर. कंडीशंस अंडर RoDTEP स्कीम. देखो सबसे पहली बात, RoDTEP स्कीम में आपको क्या मिलेगा? आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे सर. क्लियर. अब जो स्क्रिप्ट्स मिलते हैं सर, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, मैं ओवरव्यू देता हूं आपको, सो दैट ये पढ़ते वक्त आपको एकदम ऐसा थ्योरी नहीं लगे. सरकार सबसे पहली बात, आप जो एक्सपोर्ट करते हो उसका जो एफओबी वैल्यू होगा उससे एक सर्टेन परसेंटेज आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएंगे. जैसे जीएसटी में है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, ऐसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर जो कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम पे मेंटेन होगा सर, उसमें क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके. अच्छा, ये सर्टेन परसेंटेज, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर ऑल इंडस्ट्री रेट का गवर्नमेंट ने पूरा शेड्यूल दे रखा है, जैसे कस्टम्स ड्यूटी चार्ज करने का या जीएसटी का पूरा टैरिफ दे रखा है, सेम वे गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल दे रखा है अनेक्सर 4R के फॉर्म में. अनेक्सर 4R ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें रेट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट कितना मिलने वाला है वो दे रखा है परसेंटेज विद द अपर कैप लिमिट ऑल्सो. क्लियर. तो जो आपका एफओवी वैल्यू होगा उसका एक परसेंटेज पर, वहां पे भी कंडीशन है. जैसे हमने जीरो रेटेड सप्लाई जीएसटी में पढ़ा था सर, एक्सपोर्ट जो आपको ये सॉरी जो यहाँ पे आपको एक परसेंटेज ऑफ एफओवी मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, वो किसका? जो आपने एक्चुअली वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट किया उसका एफओबी, या फिर 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ सेम गुड्स इफ दोज आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट विच एवर इज लोअर. मतलब डोमेस्टिक मार्केट में कोई गुड्स अगर आप 1 लाख में बेच रहे हो और वही गुड्स अगर आप सर 1.88 लाख में बेच रहे हो, 1,80,000 में बेच रहे हो, 1,80,000 में अगर आप सेल कर रहे हो, तो सर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट द मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी टेकन इज 1,80,000 जो एक्चुअल वैल्यू है वो, या फिर 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ सेम गुड्स इफ दोज आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट. अब डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है आपने 1 लाख में या बिकता है वो 1 लाख में, उसका 1.5 टाइम्स 1.5 लाख, तो 1.5 लाख और 1.8 लाख विच एवर इज लोअर 1.5 लाख, तो मैक्सिमम 1.5 लाख ही लेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जिसका आपको परसेंटेज निकालना होगा टू क्लेम द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट. ठीक है, हम पढ़ेंगे. ओके अब सर ये स्कीम का एक और आइडिया मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, पहले मैं डेप्थ में हम और पढ़ लेंगे इस पॉइंट को. मेरा पॉइंट आपसे ये है कि RoDTEP स्कीम का पर्पस क्या है? एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया कि सर ये जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल अगर एक्सपोर्ट हो रही है हिंदुस्तान से, तो ये पेंसिल के एक्सपोर्ट होने तक, पेंसिल के एक्सपोर्ट होने पर सारे गुड्स जो भी इसमें काम आई है, भले वो मैन्युफैक्चर में काम आई या भले वो सर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक काम आई. डिस्ट्रीब्यूशन लेवल मतलब सर मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास गया और उसने फिर एक्सपोर्ट किया मान लो. क्लियर. तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी जितना भी एक्सपोर्ट करने तक जो भी टैक्सेस लगे इंडायरेक्ट टैक्सेस, उन सब का रिफंड देना इज द टारगेट. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑन एन एवरेज एस्टिमेट किया कि यार अगर 1 करोड़ की पेंसिल सेल करते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑन एन एवरेज इसमें कितना इनपुट काम आता है, कितने टैक्सेस इस पर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पे कर लेते हैं, उन सब का गवर्नमेंट ने क्या किया, कैलकुलेशन किया कि सर इस गुड्स को बनाने में कौन कौन सी गुड्स, कौन कौन सी सर्विसेज काम आती है, ऑन एन एवरेज उन पे कितना टैक्स लगता है. उन सब गुड्स और उन सब सर्विसेज का एक एस्टिमेशन किया गवर्नमेंट ने, उनका टैक्स कैलकुलेट किया इंडस्ट्री वाइज. इंडस्ट्री वाइज भाई टैरिफ दे रखा पूरा रेट ऑफ टैक्स का, रेट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट का. सर कैलकुलेशन किया कितना आपको सर इसका इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते होंगे, तो देखा फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ की पेंसिल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज 1 करोड़ का अगर आपने पेंसिल एक्सपोर्ट किया तो 1,50,000 ऑन एन एवरेज मान लो सर. इस पे सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज और सेस जो भी बोलना है बोल दीजिए, गुड्स सर्विसेज जो इसमें काम आई उस पर टैक्स था 1.5 लाख. तो 1 करोड़ का अगर एफओबी वैल्यू है तो सर उस पर 1.5 लाख क्या मिलना चाहिए रिफंड. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1.5 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100, कितना आया 1.5%. तो 1.5% इस पर्टिकुलर गुड्स का क्या हो गया, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का परसेंटेज हो गया, जो टैरिफ में गवर्नमेंट ने डाल दिया. हर गुड्स का ऐसा स्टडी करके, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टडी करके टैरिफ बनाया हुआ सब. अब सर जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ बोल दिया आप इसको मैनुअली क्लेम नहीं कर सकते। आपको जो बिल ऑफ एंट्री, सॉरी एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग बिल जो फाइल करना है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो फाइल करना है, वो सर कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ही फाइल करना पड़ेगा, एंड आपको उसी कस्टम पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जहां पे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम का फैसिलिटी हो। जहां मैनुअल क्लियरिंग का ही सिस्टम है वहां से अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला रोड टेप का। क्लियर? तो सर सेकंड बात कह दी कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेंगे उसमें ही डिक्लेरेशन दे देंगे कि मेरे को ये रोड टेप स्कीम का बेनिफिट चाहिए, तो ही आपका क्लेम प्रोसेस होगा, वरना क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। अब सर क्लेम आपने कर लिया, मान लो एवरीथिंग वाज ओके, आपको क्लेम मिल गया। अब जितना क्लेम मिला वो आपका ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो ड्यूटी क्रेडिट आपको इश्यू हुई है उसको आपको ई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अगर आपने ई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं कराया तो विदिन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ड्यूटी क्रेडिट ऑटोमेटिक कस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम उसको ई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब ई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा बेटा? इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है सर। ई स्क्रिप्ट इश्यू होने के बाद द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई स्क्रिप्ट इज 1 ईयर ओनली। ये ई स्क्रिप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये ई स्क्रिप्ट यूज किस में आती है? जब फ्यूचर में आप इंपोर्ट करेंगे कोई भी गुड्स का, उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी दिस ई स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड। जितना अमाउंट इसमें क्रेडिट होगा उतना अमाउंट का बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको नहीं पे करना है ऑन फ्यूचर इंपोर्ट। पर सबसे अच्छी बात, अगर आपको वो लगता है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपके काम नहीं आएगी तो वो ई स्क्रिप्ट आप किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो, बट ट्रांसफरिंग दिस ई स्क्रिप्ट विल नॉट एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई स्क्रिप्ट। सर जिस दिन वो जनरेट हुई थी ओरिजिनली वहीं से 1 साल के लिए वैलिड है, भले मैंने आपको बेच दिया हो बीच में, कोई कंसर्न नहीं है। 1 साल में इसको कंज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने के बाद ये रीजनरेट भी नहीं होती है। सर खत्म हो गया खेल। हाँ है ना बच्चों, ये कहानी है किसका? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का। समझे मेरी बात? क्लियर? ये कहानी है रोडटेप स्कीम का। 1% आपको रिफंड मिल जाएगा, ये मेन बात है सर। इसका ये रिफंड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा जिसको आप मार्केट में बेच सकते हो, ओपन मार्केट में। क्लियर? ये एक छोटा बेनिफिट दिया सो दैट जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे है फॉर एक्सपोर्टेशन ऑफ एनी ऑफ द गुड्स वो सबका रिफंड मिल जाए एसएससी को। ये पर्पस है गवर्नमेंट का और कोई पर्पस नहीं है। हाँ, कुछ गुड्स, कुछ एक लिस्ट दे रखी इन्होंने कि इस लिस्ट के अंदर जो गुड्स है या जो ट्रांजेक्शन है उनके लिए ये रोडटेप स्कीम नहीं है, वो हम देख लेंगे सर। प्लस यहाँ बोल दिया कि सर सिंस हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, क्यों? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आएगा, पर अगर आरबीआई टाइम लिमिट के अंदर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज हुआ ही नहीं तो सर किस बात का बेनिफिट? जो हमने आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इश्यू करी वो हम आपसे वापस से क्या कर लेंगे? ले लेंगे। और अगर आपने उस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को यूज कर लिया या किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो सर उतना अमाउंट आपको हमको पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। समझे मेरी बात? और अगर आपने नहीं पे किया तो सर जिस दिन आरबीआई टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही थी टू रिसीव द फॉरेन करेंसी उसके 15 डेज में हमको पे कर देना। नहीं पे किया मतलब फॉर एग्जांपल आपका मान लो आधा पेमेंट रियलाइज हो गया फॉरेन करेंसी में, तो सर आधा पेमेंट का प्रोपोर्शन जो आपका ड्यूटी क्रेडिट बनता है वो आप गवर्नमेंट को पे कर देना विद इंटरेस्ट। नहीं पे किया विद इन 15 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा, तो सर आपको वो अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी। और गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको रिकवरी भी करेगा सर। 15 डेज में पे नहीं किया तो दे विल इनिशिएट देयर रिकवरी प्रोसीडिंग्स एज पर कस्टम्स एक्ट। क्लियर? और हाँ, एक और लास्ट प्रोविजन बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी प्रोविजंस का कॉन्ट्रोवर्शन किया है, प्रोविजंस अंडर द लॉज या रेगुलेशन जो भी बनाया उसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शन किया तो ये ड्यूटी क्रेडिट आपकी स्क्रिप्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। और कैंसिल कर दिया अगर, तो अगर आपने ड्यूटी क्रेडिट यूज कर ली तो उतना अमाउंट या फिर किसी को ट्रांसफर कर ली तो उतना अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट विद इन 15 डेज, नहीं तो दे कैन इनिशिएट द रिकवरी प्रोसीडिंग्स। दैट्स इट, खत्म। अब वो लिस्ट पढ़नी है अपने को कि कौन कौन से केस में ये वाला स्क्रिप्ट का बेनिफिट नहीं, ये वाला रोडटेप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता। दैट्स इट। क्लियर? पर फिर भी हम पूरी स्कीम को वापस पढ़ लेते हैं सर एक बार बुक से, शायद आपको पूरी बात मेरी समझ में आ गई। अल्टीमेटली जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है उसके इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे जितना भी टैक्सेस लगे हैं उन सबका रिफंड देना इज द टारगेट ऑफ रोडटेप स्कीम। क्लियर सर? आइए, कंडीशंस फॉर रोडटेप स्कीम। फर्स्ट, ड्यूटी क्रेडिट for goods exported under RoDTEP scheme shall be subject to following conditions, namely that first that the duty credit is issued in lieu of remission of any duty or tax or levy chargeable on any material used in manufacture or processing of the goods or for carrying out any operation on such goods in India that are exported, where such duty, tax or levy is not exempted or not remitted or not credited under any other scheme. कुल मिला के जो एक्सपोर्ट किया उसमें जो काम आने वाले इनपुट्स है उन सबके सर उन पे अगर कहीं भी टैक्स लगा तो उसका रिफंड देना इज द टारगेट। सेकंड, ड्यूटी क्रेडिट इज इश्यूड अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नोटिफाइड इन अपेंडिक्स 4R ऑफ द एफटीपी एट द रेस्पेक्टिव रेट्स एंड कैप नोटिफाइड अंडर द सेड अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स 4R आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट दे रखा है और अपर कैप भी दे रखी है साहब, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। हाँ, किस वैल्यू पे मिलेगा साहब, जो मैंने आपको बताया था। हाउएवर द वैल्यू ऑफ सेड गुड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट टू बी अलाउड अंडर दिस स्कीम शैल बी द डिक्लेयर्ड एक्सपोर्ट एफओबी वैल्यू ऑफ सेड गुड्स और अप टू 5 times द मार्केट प्राइस ऑफ दी सेड गुड्स विच एवर इज लेस। अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेचते तो कितने में बेचते, हाँ है ना, विच एवर इज लेस। क्लियर सर, डोमेस्टिक मार्केट में बेचते कितने में बेचते, उसका 1.5 times या फिर जो एक्चुअल एफओबी वैल्यू आपकी है जो आपने शिपिंग बिल में डिक्लेयर करी, विच एवर इज लेस, इसी वैल्यू पे आपका कैलकुलेशन होगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1.8 लाख में अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और डोमेस्टिक मार्केट में वही गुड्स आप बेच रहे हो कितने में, 1 लाख में, तो 1 लाख का 1.5 times 1,50,000, तो 1,80,000 और 1,50,000 विच एवर इज लेस 150। भले एक्चुअली एक्सपोर्ट आपने 1.8 लाख में किया पर 1.5 लाख का ही परसेंटेज आपको ड्रॉप, आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगी। क्लियर सर, क्योंकि उसका कारण क्या है, गवर्नमेंट बोलती है भाई आपने एक्सपोर्ट भले महंगे में किया हो पर सर आपने 1 लाख की गुड्स 2 लाख में बेच दी, पर सर उसमें रॉ मटेरियल जो लगने वाला है वो तो 1 लाख के हिसाब से लगेगा ना सर, हमने जो कॉस्टिंग निकाली वो तो डोमेस्टिक मार्केट में जो कॉस्ट लगती है आपकी उसके अकॉर्डिंग निकाली ना सब, अब भले एक्सपोर्ट कितने में करते हो सर। क्लियर सर, देन द ड्यूटी क्रेडिट इज इश्यूड अगेंस्ट क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट अंडर द स्कीम मेड बाय एन एक्सपोर्टर by providing appropriate declaration at the item level in the shipping bill or bill of export in the customs automated systems presented on or after 1st of January 2021। तो 1 जनवरी 2021 से MEIS विड्रॉ हो गया, तो सर 1 जनवरी 2021 के बाद में जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे आप ध्यान देना बेटा, ये स्कीम का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपने कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली शिपिंग बिल फाइल किया। और शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, व्हीकल के केस में बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में शिपिंग बिल बोलते हैं, और उसको आपने फाइल किया, उसके जो रेस्पेक्टिव कॉलम है उसमें अप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन दिया है आपने कि सर मेरे को RoDTEP स्कीम का बेनिफिट चाहिए। देन सर अगर नेक्स्ट कंडीशन दैट सच ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, सॉरी सच ड्यूटी क्रेडिट शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ ओनली एंड ओनली ड्यूटी ऑफ कस्टम्स विच आर लेवेबल अंडर फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट, मतलब ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स व्हेन इंपोर्टेड इनटू इंडिया। अब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपको इश्यू हो गया, उसको यूज क्या करेंगे, जब फ्यूचर में आप इंपोर्ट करेंगे उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा उस बेसिक कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट ये सेट ऑफ हो सकता है। क्लियर, उतना बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको कम पे करना है। क्लियर, पर अगर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, कोई और इंपोर्ट कर रहा है, उसको आप ड्यूटी क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो सर। पढ़िए आगे पढ़ेंगे इसको। दैट द एक्सपोर्ट कैटेगरीज और सेक्टर्स विच आर लिस्टेड इन टेबल नंबर 1 अनेक्स्ड हेयर टू शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ड्यूटी क्रेडिट अंडर दिस स्कीम। टेबल 1 हम पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे सर, जिनके लिए ये स्कीम एलिजिबल नहीं है, बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। दैट नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दैट द ड्यूटी क्रेडिट अलाउड अंडर दिस स्कीम अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स इन इंडिया विद इन द टाइम लिमिट अलाउड अंडर फेमा बाय द RBI। और अगर आपका कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द टाइम लिमिट अलाउड नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ आपको, तो सर ये स्क्रिप्ट आपके लिए क्या हो जाएगी, इन एलिजिबल हो जाएगी और रिकवरी चालू हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे और भी, ठीक है सर, डिटेल में। नेक्स्ट दैट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आर अंडरटेकन थ्रू सी पोर्ट्स, मैंने बताया था आपको उन पोर्ट के थ्रू आपको एक्सपोर्ट करना जहां पे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेसिंग होता है। पढ़ो दैट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर अंडरटेकन थ्रू द सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और थ्रू द इनलैंड कंटेनर डिपोज और थ्रू द लैंड कस्टम्स स्टेशन विच अलाउ द बिल ऑफ एंट्री और द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड एंड प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। जिन पोर्ट्स पर इलेक्ट्रॉनिकली शिपिंग बिल को प्रोसेस करने का सिस्टम नहीं है, वहां से एक्सपोर्ट नहीं करने का। देन द एक्सपोर्टर हैज द ऑप्शन टू जनरेट द ई स्क्रिप्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। इफ दिस ऑप्शन इज नॉट अवेल्ड बाय द एक्सपोर्टर देन ई स्क्रिप्ट शैल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम, जो मैंने बताया था आपको, एंड इट शैल बी मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर। अच्छा, ये ई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है साहब, क्योंकि ई स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद 1 साल की वैलिडिटी पीरियड होता है, ये दे रखा नेक्स्ट पॉइंट में। दैट द ई स्क्रिप्ट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स जनरेशन एंड एनी ड्यूटी क्रेडिट इन द सेड ई स्क्रिप्ट रिमेन अनयूटिलाइज्ड एट द एंड ऑफ दिस पीरियड शैल लैप्स एंड द ड्यूटी क्रेडिट इन द ई स्क्रिप्ट दैट हैज लैप्स्ड शैल नॉट बी रीजनरेटेड। एक बार लैप्स हो गया तो बाद में रीजनरेट भी नहीं होता है। एंड लास्ट द ई स्क्रिप्ट शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल हाउएवर द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ ई स्क्रिप्ट शैल नॉट चेंज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ई स्क्रिप्ट जो हमने बात करी, एक साल का वैलिडिटी पीरियड है, वो एक साल का रहेगा। अब मान लो मैंने 7 मंथ के बाद आपको बेच दिया तो रिमेनिंग 5 मंथ की वैलिडिटी है, ऐसा नहीं कि 1 ईयर वापस अकाउंट हो गया। क्लियर, डन। सरकार शायद समझ में आए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आप चाहे तो ये ड्यूटी क्रेडिट जो आपको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है सर? जो आपने इनपुट स्टेज पे जो भी टैक्सेस पे किए उसका रिफंड देने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी उनका कहीं और रिफंड ले लिया, कोई बेनिफिट ले लिया, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। किस रेट से मिलने वाला रेट हमने आपको अपेंडिक्स 4R में दे रखी है विद देयर मैक्सिमम कैप। क्लियर, प्लस किस वैल्यू पे होगा सर? एफओबी वैल्यू या 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ गुड्स इफ दोज आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट विच एवर इज लोअर। क्लियर, देन आपको शिपिंग बिल जो फाइल करना है वो कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू फाइल करना है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। उसमें एप्रोप्रिएट लेवल पर एप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एट द आइटम लेवल, मतलब जहाँ पे उसका कॉलम है उसमें प्रॉपर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे को रोडटेप स्कीम चाहिए। अब रोडटेप स्कीम अगर आपको मिल गई, आपको स्क्रिप्ट मिल गया, वो यूज क्या आएगा? ओनली बेसिक कस्टमर पे करने में ही काम आएगा, किसी और काम में नहीं आएगा। जो टेबल 1 में लिखा हुआ उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता इस स्कीम में, ठीक है। और दिस बेनिफिट इज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी अंडर टाइम लिमिट, विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा। और उस टाइम लिमिट में नहीं आया तो हम आपसे रिकवरी करेंगे, ऐसा हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आपको उन्हीं पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस हो सकता हो शिपिंग बिल। देन ये ई स्क्रिप्ट की वैलिडिटी, सॉरी इस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को आपको ई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर, नहीं क्या तो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको 1 ईयर के बाद ई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। और जिस दिन ये ई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हुआ उसके बाद में 1 साल की ही इसकी वैलिडिटी पीरियड होता है सर, एंड इट इसके बाद ये क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, रीजनरेट नहीं हो सकता। आप चाहे तो इनको ट्रांसफर कर सकते हो, बट ट्रांसफर करने की वजह से वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं होता है। ये सारे कंडीशंस वापस मैंने आपको रिवाइज कर दिए, शायद आपको समझ में आए सर, और बहुत टफ भी नहीं है, ईजी है। कैंसलेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट पढ़िएगा सर ध्यान से। सर मैंने बताया आपको, द पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और द रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयरअंडर in relation to exports to which the duty credit relates, आपने इन एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग सर कुछ वायलेशन किया है, और इन रिलेशन टू ई स्क्रिप्ट अगर कोई वायलेशन किया है तो कमिश्नर, द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द कस्टम पोर्ट या कस्टम्स स्टेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई स्क्रिप्ट। सर जिस कस्टम स्टेशन से ई स्क्रिप्ट इशू हुई थी वहाँ का ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर इज द पावर दैट आफ्टर इंक्वायरी ही मे पास एन ऑर्डर टू कैंसिल द सेड ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट और ई स्क्रिप्ट, वो कैंसिल करा देगा सर। और जहां पे कैंसिल हो गया है, देखना ध्यान से, वेयर द ई स्क्रिप्ट इज सो कैंसल्ड द ड्यूटी क्रेडिट अमाउंट इन द सेड ई स्क्रिप्ट शैल बी डीम्ड नेवर टू हैव बीन अलाउड। ये माना जाएगा कि आपको ड्यूटी क्रेडिट कभी मिला ही नहीं। और अगर आपने सर ये अमाउंट ऑलरेडी यूज कर लिया या किसी को ट्रांसफर कर दिया तो दे विल प्रोसीड टू रिकवर द ड्यूटी क्रेडिट अमाउंट यूज्ड इन द ई स्क्रिप्ट और ट्रांसफर्ड फ्रॉम सच ई स्क्रिप्ट। क्लियर सर, एंड द प्रॉपर ऑफिसर of customs may without prejudice to any other action that may be taken under this act or other laws for the time being in force he may suspend the operation of said e-script। देखो बेटा अगर उसको e-script को कैंसिल करना है तो इट विल टेक टाइम ना, कि वो इंक्वायरी करेगा, चेक करेगा कि आपने गड़बड़ करी कि नहीं करी, आपसे भी पूछेगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड मिलेगी आपको, आप उसको बताओगे, फिर वो डिसाइड करेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या करे? वो सस्पेंड कर देगा। जैसे रजिस्ट्रेशन में होता है ना बेटा जीएसटी में, कि टेम्पररी आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा जब तक डिसीजन नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है कि नहीं करना। वही प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द सेड ई स्क्रिप्ट और द इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर ऑफ द एक्सपोर्टर और एनी ड्यूटी क्रेडिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सच ई स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी अंडर सब क्लोज नंबर 1। क्लियर, तो क्या हो जाएगा सर? उस ई स्क्रिप्ट को या इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर को आप यूज नहीं कर सकते, उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर देगा वो, ओके या किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, ओके सर। देन रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट पढ़िए सर। सर अगर मान लो आपको कभी गलती से एक्सेस सर ड्यूटी क्रेडिट मिल गई गलती से, सर पढ़ना, वेयर एन अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट हैज फॉर एनी रीजन बीन अलाउड इन एक्सेस ऑफ व्हाट द एक्सपोर्टर इज एंटाइटल्ड टू और द एक्सपोर्टर, तो ऐसे केस में द एक्सपोर्टर शैल रीपे द अमाउंट सो अलाउड इन एक्सेस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 28AA ऑफ द कस्टम्स एक्ट। सर ध्यान दीजिएगा बेटा, 15% पर annum इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस दिन आपको ड्यूटी क्रेडिट मिला और जब आप वापस रिफंड करेंगे तब तक के अमाउंट, तब तक के पीरियड के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट 15% पे करना पड़ेगा ऑन दैट पोर्शन ऑफ द ड्यूटी क्रेडिट विच इज अलाउड इन एक्सेस विच हैज बीन यूज्ड और ट्रांसफर्ड। अच्छा आपने यूज नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, पढ़ा है आपने, एसडीज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपने जो अमाउंट यूज कर लिया है, जो अमाउंट आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। and where the exporter fails to repay the amount along with interest as applicable within a period of 15 days, तो इट शैल बी रिकवरेबल एज पर सेक्शन में 142. 15 days का पॉइंट आगे लिखा है सर. द एक्सपोर्टर फेल्स टू रिपे द अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days along with interest so demanded, then the proper officer of the customs may also proceed to recover the said duty credit amount from the transfer in the manner of section number 142. अगर जिस दिन आपसे डिमांड किया उसके 15 डेज में आपने रिकवरी नहीं की, आपने नहीं पे किया विद इंटरेस्ट, तो रिकवरी शुरू हो जाएगी इस पर सेक्शन नंबर 142. क्लियर सर. और सेक्शन नंबर 142 ऑफ द कस्टम्स एक्ट में रिकवरी के मोड दे रखे, जैसे हमने जीएसटी के अंदर पढ़े रिकवरी के मोड्स, वही लगभग सारे दे रखे सर. अब रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड, जो मैंने बताया था आरबीआई टाइम लिमिट के अंदर पैसा नहीं आया तो उसके लिए लास्ट पॉइंट दिया है, खत्म सर. वेयर एन अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट हैज बीन अलाउड टू एन एक्सपोर्टर बट द सेल प्रोसीड्स either fully or partially in respect of the such export goods have not been realized by the exporter in India within the time limit including extension allowed by RBI under FEMA, then ऐसे केस में the exporter shall repay the amount of duty credit in proportion to the sale proceeds which are not realized. मान लो 70% realize हो गया, 30% realize नहीं हुआ तो 30% वो वापस देगा गवर्नमेंट को ड्यूटी क्रेडिट का अमाउंट along with interest within 15 days of the expiry of the said period. जिस दिन वो पीरियड एक्सपायर हुआ है आरबीआई का टाइम लिमिट, उसके 15 डेज में वो अमाउंट पे करेगा विद इंटरेस्ट ड्यूटी क्रेडिट. क्लियर. और अगर उसने 15 डेज में पे नहीं किया तो ऐसे केस में रिकवरी शुरू हो जाएगी भाई इस पर सेक्शन नंबर 142. देन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स में ऑल्सो प्रोसीड फॉर रिकवरी ऑफ द सेड ड्यूटी क्रेडिट फ्रॉम द टैक्स ट्रांसफरी इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 142. ट्रांसफरी मतलब अगर मान लो मैंने ड्यूटी क्रेडिट आपको ट्रांसफर कर दी और मेरे को पैसा रिसीव नहीं हुआ फ्रॉम दी आरबीआई. क्लियर. मेरे को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा, तो मेरे से वो पेमेंट रिकवरेबल है सर. अब मैंने उस ड्यूटी क्रेडिट को क्या कर दिया, आपको पास ऑन कर दिया था, और मेरे से अगर डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं कर पा रहा तो ट्रांसफर से भी रिकवरी कर सकता है सर. ये समझे. ठीक सर. ओके डन. एक नोट दिया हुआ वो पढ़ लीजिए सर. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी रिकवरी, भाई रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है सर, नो फर्दर ड्यूटी क्रेडिट ऑन एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट्स शैल बी अलाउड टू सच एक्सपोर्टर टिल द टाइम सच रिकवरी इज मेड एंड एनी अनयूटिलाइज्ड ड्यूटी क्रेडिट विद द एक्सपोर्टर और द ट्रांसफरी शैल बी सस्पेंडेड पेंडिंग सच रिकवरी. पहली बात तो ये, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपको कोई नया ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट नहीं इश्यू किया जाएगा. सेकेंड थिंग, आपके पास जो ऑलरेडी ड्यूटी क्रेडिट पड़ा है आपके अकाउंट में उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते सर, उसको पास ऑन भी नहीं कर पाएंगे आप. क्लियर. या तो आपके पास पड़ा हो या वो ट्रांसफर के पास वो ड्यूटी क्रेडिट पड़ा है तो वो भी यूज नहीं कर पाएगा सर, अगर आपने किसी को ट्रांसफर देता तो. ओके डन. तो कुल मिला के जो मैंने आपको एफटीबी रोडटेप स्कीम पढ़ाने से पहले जो मैंने ओवरव्यू दिया था वही सब यहाँ पे हमने डिटेल में एक एक लाइन पढ़ ली. आइए एक्सप्लेनेशन. क्लेम का मतलब क्या है, डेफिनेशन दे रखी. क्लेम मीन्स क्लेम फॉर ड्यूटी क्रेडिट अंडर द स्कीम made by an exporter in the shipping bill or bill of export, providing the appropriate declaration at the item level in the said shipping bill or bill of export in the customs automated system. Electronically file करना पड़ेगा. Electronic duty credit ledger means the ledger in the customs automated system relating to a person who is the recipient of duty credit or the person to whom the duty credit is transferred. ठीक है सर. Proper officer means deputy commissioner or assistant commissioner of customs. Clear. तो सर डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के कंट्रोल में रहता है सब चीजें. ओके चलिए अब लास्ट हमको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कौन कौन सी गुड्स ऐसी है, कौन कौन सी एक्सपोर्ट कैटेगरी ऐसी है. विचार ओ, कलर कौन सा ले, मस्त एकदम. चार इन एलिजिबल कलर दूसरा लगेगा थोड़ा सा. चलो ठीक है, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा लाइट लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा कलर है मेरा. ओके पैरेट कलर माहौल सरकार. चलिए एक्सपोर्ट कैटेगरीज और सेक्टर्स विच आर इन एलिजिबल फॉर ड्यूटी क्रेडिट, ये एलिजिबल नहीं है. गवर्नमेंट ने जब कैलकुलेशन करी होगी ड्यूटी क्रेडिट की, उनको लगा होगा ये कैटेगरीज में रोडटेप स्कीम का बेनिफिट नहीं देना चाहिए, तो लिस्ट बना दी सर. लिस्ट को ध्यान रखना बेटा, कभी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया उसमें 5-6 ट्रांजेक्शन दे दिए, ये इतना अमाउंट का एक्सपोर्ट था, इतना अमाउंट का ये ट्रांजेक्शन था, इतना अमाउंट का ये ट्रांजेक्शन था, और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अंडर रोडटेप स्कीम इज सपोज 2%, तो उनका एफओवी वैल्यू या 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट सेल व्हिचएवर इज लोअर, उसका 1.5 वैल्यू लेना है. उसका वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2% है ना बड़ा. पर ये फॉलोइंग आर एलिजिबल ही नहीं है, तो उन 4-5 ट्रांजेक्शन मान लो 1 या 2 ट्रांजेक्शन ये डाल दिए तो ध्यान रखना पड़ेगा इनका ड्यूटी क्रेडिट मिलने वाला ही नहीं है आपको. First, goods which are restricted or prohibited for export under Schedule 2 of the export policy in ITC HS. Sir, government ने Indian Trade Classification हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर उसमें शेड्यूल 2 जो इश्यू किया हुआ है, अरे सर एचएसएन में शेड्यूल 2 जो दे रखा है उसमें किसी गुड्स को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है किसी गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए, तो साहब उसके लिए क्यों बेनिफिट देंगे? बेनिफिट तो कभी मिल नहीं सकता क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी क्या है, एक्सपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड है या एक्सपोर्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड है बेटा। सेकेंड, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विच आर कवर्ड अंडर पैराग्राफ नंबर 2.46 ऑफ द एफटीपी। सर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया फॉर री एक्सपोर्ट पर्पज, तो सर वहां तो आप वैसे भी ड्रॉबैक वगैरह ले रहे हो, दूसरे बेनिफिट ले रहे हो, या आपने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया फॉर यूज इन सच मैन्युफैक्चर ऑफ आउटपुट गुड्स विच आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड, तो ऐसे केस में उन गुड्स को जिसको आपने इंपोर्ट किया था उसको वापस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये वाला रोड टेप स्कीम वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 2.46 ऑफ दी एफटीपी, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत आपको अभी नहीं है। देन एक्सपोर्ट्स थ्रू ट्रांसशिपमेंट मीनिंग देयर बाय एक्सपोर्ट्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप्ड थ्रू इंडिया। भाई मान लो श्रीलंका से गुड्स जा रहा है दुबई, हाँ बीच में चेन्नई पोर्ट आ रहा है मान लो, और वहां पे क्या हो रहा है उसका ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, मतलब एक शिप से दूसरे शिप में हम, एक वेसल से दूसरे वेसल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं इंडिया में, तो क्या इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है क्या? श्रीलंका से पहले गुड्स आया चेन्नई पोर्ट पर, चेन्नई से हमने उसका ट्रांसशिपमेंट किया और फिर गुड्स गया दुबई, तो क्या इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है क्या? भाई नहीं, यहाँ से तो केवल ट्रांसशिपमेंट हुआ है, इट डजेंट मीन कि इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है। Then goods subject to minimum export price और minimum export goods subject to minimum export price, ये export duty, तो गवर्नमेंट ने जहाँ पर बोला हुआ कि minimum इस प्राइस में तो एक्सपोर्ट होना ही चाहिए, या जिन गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है इट मीन्स गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट दोज गुड्स, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया उनके लिए रोड टेप स्कीम के लिए मना कर दिया। देन डिम्ड एक्सपोर्ट्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आर नॉट एलिजिबल फॉर रोड टेप स्कीम, एक्चुअल एक्सपोर्ट होना चाहिए, डिम्ड एक्सपोर्ट एलिजिबल नहीं है। देन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय एनी ऑफ द यूनिट्स विच आर लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या फिर बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर नहीं, एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, अगर यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है तो सर ऐसे केस में अदर बेनिफिट इनको वैसे भी बहुत दे रखे हैं, रोड टेप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनके लिए वैसे भी टैक्सेस लगभग सारे ही माफ होते हैं साहब, तो किस बात का रोड टेप का बेनिफिट दें इसको, इन्होंने परचेज भी टैक्स पे किया ही नहीं होगा, रिफंड किस बात का साहब, वो लॉजिक है। देन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय अ यूनिट लाइसेंस्ड एज 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इसको वैसे भी टैक्स फ्री होता है सारा चीजें, कोई रोड टेप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और DFIA स्कीम अंडर द रिलेवेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सर जिसके लिए आप एडवांस ऑथराइजेशन में ऑलरेडी परचेज पे टैक्स पे किया ही नहीं आपने, इंपोर्ट्स पे टैक्स पे किया ही नहीं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में आपने इंपोर्ट किया, कोई टैक्स पे किया ही नहीं, किस बात का हम आपको रिफंड दे रहे हो रोड टेप स्कीम में, किस बात का ड्यूटी क्रेडिट स्कीम दे रहे हैं आपको। Then goods manufactured and supplied by units in DTA to units in SEZ or free trade and warehousing zone, सब आपने DTA से SEZ या free trade and warehousing zone को supply किया है, रोड टेप स्कीम का benefit नहीं मिलेगा। Then goods manufactured in SEZ, जो भी हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 6 वाला, वही पॉइंट वापस देखना बेटा, क्या है SEZ वगैरह से अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो इन्होंने क्या किया वहां से बनने वाली गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेचा और वहां से फिर DTA ने एक्सपोर्ट कर दिया, तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये लिखा है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन SEZ, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, EOU, EHTP, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग जोन एंड एक्सपोर्टेड थ्रू DTA यूनिट, भाई व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली, तुम चोर हम चुन के पहुंचे हुए चोर है, गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई सर जब हमने SEZ से एक्सपोर्ट करने पर अलाउ नहीं किया बेनिफिट, तो SEZ से DTA में लाए और DTA से फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, किस बात का बेनिफिट भाई। Then goods manufactured partly or wholly in a warehouse under section number 65 of the Customs Act 1962, सर कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में अगर आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है तो वहां वैसे भी आपने टैक्सेस पे नहीं किए और वहीं से आपने एक्सपोर्ट कर दिया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रोड टेप स्कीम। गुड्स अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 32 ऑफ 1997 ऑफ कस्टम्स व्हिच इज डेटेड 1 अप्रैल 1997, अब सर इसमें क्या लिखे थे सर, गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड फ्री ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स फॉर बींग यूज इन गुड्स टू बी री एक्सपोर्टेड, सरकार आपने गुड्स इंपोर्ट किया फ्री ऑफ एनी ड्यूटी, कोई कस्टम पे ही नहीं किया, कोई टैक्सेस पे ही नहीं किया, किस बात का भाई आपको बेनिफिट दे रोड टेप का नहीं मिलेगा। देन गुड्स फॉर विच क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट फाइल्ड इन अ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था कि आपको कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ही शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना पड़ेगा तो ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट, गुड्स दैट हैव बीन टेकन इन यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर। सेकेंड हैंड गुड्स को अगर आपने एक्सपोर्ट किया, गुड्स मैन्युफैक्चर किया, उसको यूज कर लिया, फिर एक्सपोर्ट किया, रोडटेप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे के साथ भारत माता की जय, पूरी रोडटेप स्कीम खत्म। शायद आपको शिद्दत से सारा पॉइंट समझ में आए, हर एक बात आपको समझ में आई। सर मैंने जो स्कीम का आपको ओवरव्यू दिया था, शायद मैक्सिमम पॉइंट वही कवर हो गए थे सर आपके। क्लियर? अच्छा एक बात और जस्ट नॉलेज के लिए आपके लिए, एन अनदर सिमिलर स्कीम इज ऑल्सो इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, जिसका नाम है क्या, स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, सर ROSCTL स्कीम। सरकार पर दिस स्कीम इज स्पेसिफिकली फॉर वेयर ड्यूटी क्रेडिट विल बी इश्यूड अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड मेडअप्स ओनली। तो केवल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए स्कीम थी, इसलिए आपके सिलेबस में ये स्कीम नहीं आती है, नहीं पढ़ना है अपने को। क्लियर? पर जस्ट नॉलेज के लिए मैंने बताया कि सर इस तरह की भी एक और स्कीम है जो केवल और केवल रेडीमेड गारमेंट्स एंड अदर मेडअप्स ऑफ रेडीमेड ऑफ दिस क्लॉथ वगैरह, उसके लिए बनाई हुई स्कीम है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझे मेरी बात? ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया, सो दैट आपको पता तो होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। ओके तो इसी के साथ रोडटेप स्कीम भी खत्म होती है। अब इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ ये जो आपके सर जितने भी अमेंडमेंट्स थे, भले वो जीएसटी के हो, कस्टम्स के हो या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, सारे कवर होते हैं। अब भारत माता की जय, शायद सारे अमेंडमेंट समझ में आए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे अमेंडमेंट नहीं है, आपको पता पड़ गया सर। सर विद इन 4 आवर्स, सर मेरे 4 लेक्चर पर चारों की कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 4 आवर्स के आसपास के लेक्चर से, जिसमें सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए। ये अमेंडमेंट नोट्स भी आपको मिल गए होंगे पीडीएफ फाइल में आपको। क्लियर? बस आपके एंड पे एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना। पर हाँ, जैसा मैंने आपको कमिट किया था कि अगर आप ढंग से कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सारे लेक्चर को पढ़ते हो तो अमेंडमेंट्स का भी डर नहीं लगता और अमेंडमेंट्स की वजह से कोई फंडामेंटल बेसिक चेंज नहीं होते। क्लियर? सर आई थिंक ये वर्ड्स प्रूव हो गए होंगे सर आपको। बस आपके एंड पर ये कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सर अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग जो वर्क करने वाला है ड्यूरिंग द एग्जाम्स, बिफोर द एग्जाम्स एंड आफ्टर द एग्जाम्स। क्लियर? और आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी तैयारी बहुत शानदार है। समझे? आप लड़ने के लिए बहुत शानदार तरीके से तैयार होना चाहिए। युद्ध स्तर पर तैयारी करिए, हम आपके साथ है, पूरा विश्व आपके साथ है, पूरा एनवायरमेंट आपके साथ है। जो भी डिफिकल्टी आएगी वो सबके साथ आती है और जो डिफिकल्टी को फेस करके आगे बढ़ता है वही सक्सेसफुल पर्सन होता है। लाइफ में आप सक्सेसफुल बने, हमारी विश ये है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव योर लॉट एंड सर स्टे ब्लेस्ड। अपनी फैमिली का और अपना ध्यान रखिए एंड सर अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने गोल की तरफ बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और दुआओं में याद रखना। थैंक यू।